नमस्कार दोस्तों, तो आप लोग का स्वागत है फिर से हेल्प टू एवरीवन चैनल में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, और जो भी मेरे साथ नए जुड़े हुए हैं वो लोग जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो हम लोग बिना देर किए हुए उस नोटिफिकेशन को देखेंगे, उससे पहले आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। तो आप लोग को ये जो नोटिफिकेशन निकली हुई है वो IOCL में निकली हुई है, तो IOCL के नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे, डायरेक्ट आपको वेबसाइट से हम दिखाएंगे ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों को कोई भी चीज़ छूटे ना, और आप लोग उसको पूरे अच्छे से समझ सके, और पूरे आप लोगों को फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस बता देंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ दी गई ये वेबसाइट है IOCL.com/apprenticeship, इस पर क्लिक करेंगे आप लोग को आ जाएगा। ये लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। यहाँ देख सकते हैं एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसिप पाइपलाइन डिवीजन के लिए आई हुई है, 420 नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ 480 ट्रेड टेक्नीशियन अप्रेंटिसिप अंडर अप्रेंटिसिप एक्ट। तो इसको हम लोग अपलोड करते हैं, ठीक है। तो इसको डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते ही आप लोगों को ये खुल जाएगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट एडवर्टाइजमेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट को क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते ही आपका ये वेबसाइट खुल जाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं ये डाउनलोड हो चुकी है, ये ओपन हो रही है। तो आप लोग को इसके बारे में बताते हैं क्या क्या कौन से ट्रेड्स के लिए कितने कितने हैं नोटिफिकेशन। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ देख टेक्नीशियन के लिए भी पोस्ट दी गई है, कितने कितने पोस्ट किसके लिए है IOCL में, नॉन टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों ट्रेड्स के लिए है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रोविजन एंड ऑफ सीट अप्रेंटिसशिप कैटेगरी इंक्लूडिंग लाइकली रिजर्वेशन शैल बी फॉलोज एज पर द रूल्स। आपको ये अप्रेंटिसशिप पे आपको ये भी देगी, मतलब रिलैक्सेशन एज पर द रिजर्वेशन। तमिलनाडु एंड पुडुचेरी में जो है अप्रेंटिसशिप फिटर के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और मशीनिस्ट के लिए टोटल जो है आपको टोटल 50 पोस्ट है, ठीक है। और इसमें कितने कितने डिसिप्लिन कोड भी दी गई है, तो इसको कोड के हिसाब से भरना है। कर्नाटका में जो है टोटल 21 पोस्ट दी गई है। तो एज पर द ट्रेड्स देखिएगा, एज पर द ट्रेड्स यू शुड अप्लाई दिस वन। दे हैव ए गिवन फीटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, फीटर, ये सारे दैट ऑल द ट्रेड्स विल बी एलिजिबल टू अप्लाई देयर। आफ्टर दैट दे हैव केरला स्टेट्स, दे हैव गिवन सम अप्रेंटिसशिप ट्रेड्स फॉर द फीटर एज लाइक फीटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट। टोटल नंबर ऑफ द पोस्ट विल बी गिवन 16 फॉर द केरला एज पर द गवर्नमेंट रूल। ओके, आंध्र प्रदेश, फॉर द आंध्र प्रदेश दे हैव गिवन ट्रेड्स ए फीटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट। नंबर ऑफ टोटल पोस्ट इज गिवन 30। नाउ गिवन तेलंगाना, तेलंगाना फॉर द देयर दिस वन इज द पोस्ट ऑफ कोड, ओके 1, 2, 3, 4, 5 दिस वन, so that you should remember this one. And Telangana state will be given total number of post, 30 post is given for the all the trades technicians, and they will be given trades fitter, electrician, electronic mechanic, instrument mechanic, machinist, that is the their trades. And after that Tamil Nadu and Puducherry, they have given mechanical for technician apprenticeship, electrical, instrumentation, civil, electrical and electronics, and they will be given total number of post is 15. After that they have Karnataka for states, the trade will be eligible mechanical, electrical, instrumentation, civil, electrical and electronics. Total number of post is given 10. Now Kerala for the technician apprenticeship, mechanical, electrical, instrumental, civil, electrical and electronics, for the total number of post 8 for the Kerala. Now for Andhra Pradesh has given for the technician apprenticeship total number of post 9 as per the government's norms. Telangana for the states for the given trades apprenticeship, mechanical, electrical, instrumentation, civil, electrical and electronics, total number of post is given 8. Now they have given for the Tamil Nadu Puducherry trade apprenticeship accountant, total number of post is given 99. And also for the Karnataka, total number of post for accountant 54. Kerala, there have for the accountant total number of post is 30. Andhra Pradesh, total number of accountant post is 16. Okay, and for the Telangana, total number of apprenticeship accountant for 12 is, so total number of seats for the Telangana
एंड ऑल्सो गिवेन फॉर द तमिलनाडु एंड पुडुचेरी फॉर द डाटा एंट्री ऑपरेटर. ओके द कोड नंबर इज 6162 फॉर द ट्रेड अप्रेंटिसशिप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए. गिवेन देयर नंबर ऑफ पोस्ट इज 10 फॉर द ट्रेड अप्रेंटिसशिप डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर एंड स्किल्ड सर्टिफिकेट होल्डर दे हैव ओनली 5 पोस्ट्स. ओके आफ्टर दैट कर्नाटका स्टेट हैड्स एंड केरला एज दिस लाइक दे हैव गिवन मेनी फॉलोज देयर पोस्ट यू शुड सी देयर केयरफुल्ली. I will provide you this notification in description box. You should download and after that we'll see for details. Okay. Now we'll tell you they have notes. Our notes is given. Total number of post is given 480 and for the all states. Their notes has given some people are getting a reservation as they like PWD, SC, ST. They will be government will be given by the norms as per the norms. Okay. और उसके बाद है person with disability category government of India guidelines shall be apply. Okay. Now the rights of person with disability act 2016 section 2R defines person with benchmark disability certificate duly the certified authority with the not less than 40%. Okay. Next is given a stipend. A stipend as per the norms of government's apprenticeship act 1961 they will be provide you. Now next is given for the apprenticeship trades 2 years and ITI electrician all the trades are given eligibility criteria and qualification. Okay. He needs to required for as per the codes and discipline codes and also their trades and qualifications. इसके बाद है क्या है इसमें दिया गया हाँ 19 नंबर में देख सकते हैं the candidate who have undergo apprenticeship earlier in your purse मतलब जो लोग पहले से ITI कर चुके हैं मतलब ट्रेनिंग ले चुके हैं अप्रेंटिसिप से वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं. टेक्नीशियन के लिए वो लोग अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है अप्लाई ऑनलाइन होगी सारे फिलअप करना होगा. उसके बाद इसमें कौन कौन सा ट्रेड्स के लिए रहेगी ट्रेड्स देख सकते हैं इसमें दी गई है कौन कौन के लिए क्या रहेगी. मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट सिविल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सारे पोस्ट रहेंगे. क्या क्या चीज़ रहेंगे उसके लिए दिया गया टेक्निकल एक्यूम रिलेटेड डिसिप्लिन जेनेक एप्टीट्यूड क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड इसके लिए एक टेस्ट होगी तो उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे. रिटन टेस्ट कंडक्ट की जाएगी उसके हिसाब से ही आप लोगों का सिलेक्शन होगा. डाटा एंट्री अकाउंटेंट ये सब सारे के लिए और रिटेल सेल्स एसोसिएट के लिए भी टेस्ट होगी उसके हिसाब से उसका सिलेक्शन होगा. जो सिलेक्टेड होगा उसी का उसमें रिक्वायरमेंट के लिए फुलफिल करेगा. ठीक है उसके बाद दी गई है आगे ये जो टोटल ये दी गई है आपको कैसे अप्लाई करना है जनरल इंस्ट्रक्शन के लिए तो ये सारा चीज़ डिटेल अप्रेंटिसशिप पे आपको दिया गया है. उसके बाद MHRD पर जो भी अप्रेंटिस टेक्नीशियन के लिए है वो डिप्लोमा वाले हैं तो वो डिप्लोमा वाले आप लोगों को MHRD पोर्टल NATS से आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. कैसे अप्लाई करना होगा सारा चीज़ दिखाते हैं कोशिश करते हैं. ठीक है तो यहाँ देख सकते हैं MHRD पर दी गई ITI के लिए ये अप्रेंटिसशिप एक्ट पर खोलेंगे क्लिक करते ही आपका ये खुल जाएगा वेबसाइट और वेबसाइट खुलते ही यहाँ पर डिटेल डालेंगे. ठीक है ये डिटेल डालने के बाद यहाँ पर रजिस्टर हो जाएगा. यहाँ पर सबमिट करेंगे क्या क्या डालना है इसमें देख सकते हैं नेम मदर्स नेम फादर्स नेम रिलेशन डेट ऑफ बर्थ जेंडर मोबाइल नंबर अल्टरनेट मोबाइल नंबर ईमेल आईडी और ये सारी चीज़ डिटेल डाल करके सबमिट कर देंगे. यहाँ पे एक क्लिक है कैप्चा का उस पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे. ठीक है तो इसके लिए था ये अप्रेंटिसशिप के लिए था और ये जो है उसके बाद MHRD पोर्टल टेक्नीशियन के लिए जो है MHRD पोर्टल पर जाएंगे इस पर क्लिक करेंगे. ठीक है क्लिक करते ही आपका ये पेज खुल जाएगा. इसके पेज पर जा करके आप लोग लॉगिन कर सकते हैं. लॉगिन करने के बाद आप लोग यहां से अप्लाई कर सकते हैं. तो मैंने इसका वीडियो आप पहले ही बना करके अपलोड कर दिए हैं पूरे डिटेल के साथ कैसे रजिस्ट्रेशन करना है कैसे अप्लाई करना है तो हम उसका लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ताकि आप लोग वहाँ से जाकर देख सकें और पूरे अप्लाई कर सकें. ठीक है तो उसके बाद आगे दी गई है आगे जो भी चीज़ डिटेल रहेगी आपको हम सब बताते अपडेट करते रहेंगे. तो उसके बाद है नीचे जाकर देख सकते हैं बस यही था और आप लोग जो भी है एलिजिबिलिटी में है वो लोग अप्लाई कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को हो सके.
क्या क्या रिक्वायर्ड पड़ेगा, तो ये सारा चीज़ देख लीजिएगा सर्टिफिकेट में, टेंथ का सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट फॉर एजुकेशन आईटीआई के लिए, डिप्लोमा एससीएसटी के लिए, कास्ट सर्टिफिकेट पीडब्ल्यूडीसी के लिए, सिग्नेचर इन ब्लैक इंक, रिसेंट कलर फोटो, पासपोर्ट साइज, तो ये सारा चीज़ लेकर जाना है। ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म भी लेकर जाना होगा आपको, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। उसके बाद आप लोग को करना क्या है कि इसमें सारे सर्टिफिकेट को लेकर जाना है। कट ऑफ डेट जो है, कैंडिडेट मस्ट पजेस द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सारा चीज़ को आप लोग को फुलफिल करके उसके बाद आप लोग को सिलेक्शन होगा। रिटर्न एग्जाम होगी फोर्थ टेक्नीशियन के लिए। कैसे अप्लाई करना है, 13 अगस्त से शुरू होगी, उसके बाद 28 अगस्त तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, 13 से लेकर 28 तक में। तो ये टोटल डिटेल था, ताकि आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक। तो ये टोटल फॉर्म के अप्लाई के बारे में था, सारा डिटेल आप लोगों को बता दिए, ताकि आप लोग फॉर्म फिलअप कर सके। तो बस इतना ही था, फिर हम आप लोगों को दूसरे वीडियो में बताएंगे कि क्या करना है, और जो भी अपडेट मिलेगा हम आपको बताते रहेंगे, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो ये सब टोटल था, एक मिनट, बस इतना ही था, फिर हम आप लोगों से मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।